हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिया कुकिंग क्लासेस। माय नेम इज रोहिणी। आज मैं आपको दिखाऊंगी मार्केट स्टाइल केक प्रीमिक्स यूज करके वेनिला केक स्पॉन्ज कैसे बनाना है, वो भी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं बनाऊंगी पाव केजी का केक स्पॉन्ज। उसके लिए मैंने यहाँ 6 इंच का टिन लिया है। टिन को ऐसे मेजर करना है। अब हम टिन के साइज का बटर पेपर कट करेंगे। उसके लिए बटर पेपर के ऊपर टिन को रखना है और ऐसे पेन से मार्क करना है। करने के बाद हमें इस तरीके से इसे ऐसे कट करना है। इसका ये मैंने राउंड कट कर लिया है। अब हमें टिन के अंदर ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस करना है और उसके ऊपर हमने जो बटर पेपर कट किया था उसे रखना है। टिन के साइड से भी ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस करना है और साइड से थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करना है। इसी तरह हमें ये टिन रेडी करना है। ये टिन अब रेडी हो गया है। यहाँ पे ये मैंने मार्केट स्टाइल वेनिला केक प्रीमिक्स लिया है। ये मैंने घर पे ही रेडी किया है। केक प्रीमिक्स का मेरा ऑनलाइन क्लास है, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ये प्रीमिक्स मैंने ग्राम्स में मेजर कैसे करना है ये चॉकलेट स्पॉन्ज के वीडियो में बताया है। आज मैं इसे कप्स में मेजर करके आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं ये ले रही हूँ 1 कप। ये 240 ml का कप है। इसके ऊपर लिखा होता है 16 टेबलस्पून या 240 ml। और हमें लेना है 1/8 कप। 1/8 कप मतलब 1/4 जो कप है उसका हाफ लेना है हमें 1/8 कप। इस मेजरमेंट से परफेक्ट पाव केजी का स्पॉन्ज रेडी होता है। तो यहाँ मैंने टोटल प्रीमिक्स लिया है 1 कप और 1/8 कप। यहाँ पे अगर आपने 1+1/4 कप पूरा भर के लिया तो स्पॉन्ज का वजन पाव केजी के थोड़ा सा ऊपर जाता है। अब हमें लेना है 1/2 कप पानी। पानी थोड़ा थोड़ा प्रीमिक्स में डाल के हमें हैंड विस्कर की मदद से ऐसे इसे मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए ये बैटर हमें अच्छे से मिक्स करना है। इतने प्रीमिक्स के लिए यहाँ पे मैंने टोटल 1/2 कप पानी यूज किया है। पानी कभी कभी कम या ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि वो हर एक प्रीमिक्स के ऊपर डिपेंड होता है। 1.5 से 2 मिनट तक अच्छे से फेंट के मैंने बैटर को रेडी किया है। अब इसके अंदर हमें डालना है 1.5 टेबलस्पून तेल यानी 1.5 टेबलस्पून ऑयल। यहाँ पे ये मैंने रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया है। तेल हमें किसी भी फ्लेवर और स्मेल वाला नहीं यूज़ करना है। तेल ऐड करने के बाद फिर से हमें अच्छे से इस बैटर को मिक्स करना है। अब मैं आपको इस बैटर की कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। हमें रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। अब इस रेडी बैटर को टिन में निकालना है। स्पैचुला से थोड़ा सा लेवल करना है। अब हम टिन को अच्छे से टैप करेंगे। अब इस केक को OTG या माइक्रोवेव में 180 डिग्री पे 20-25 मिनट्स बेक करना है। मैं इसे गैस पे बेक कर रही हूँ, तो पहले ही मैंने गैस पे बर्तन प्रीहीट होने के लिए रखा था। अब उसके अंदर टिन को रखना है। अब ऊपर से ढक्कन रख के इस केक को मैं 20 से 25 मिनट तक बेक होने दूंगी। गैस की फ्लेम को मैंने लो रखा है। अब 15 मिनट हो गए हैं। इस केक को मैं अभी चेक करती हूँ। अब मैं टूथपिक डाल के एक बार इसे चेक करती हूँ। देखिए, टूथपिक क्लीन बाहर आई है, मतलब हमारा केक परफेक्ट बेक होके रेडी है। इस केक को अभी टिन में ही ठंडा करना है। इस केक को मैंने 15 से 20 मिनट तक इसी टिन में ठंडा किया है। अब मैं आपको इसे डिमोल्ड करके दिखाती हूँ। इसके ऊपर अब हमें एक प्लेट रखना है। टिन को उल्टा करना है, ऊपर से थोड़ा सा टैप करना है और आप देखिए केक कितना मस्त एकदम बेक होके रेडी हो गया है। ये केक स्पॉन्ज अभी मैं आपको वेविंग स्केल पे मेजर करके दिखाती हूँ। वेविंग स्केल को ऑन करना है, टेयर दबाना है। यहाँ 0 आ गया। ये मैंने केक को यहाँ पे रखा है बोर्ड को, फिर से मैंने टेयर कर दिया, यहाँ 0 आ गया है। अब मैं ये स्पॉन्ज जो है पाव केजी का इसके ऊपर रख के आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये 264 ग्राम है, मतलब ये हमारा लगभग पाव केजी स्पॉन्ज एकदम परफेक्ट है। आगे के सेशन में यही स्पॉन्ज यूज करके मैं आपको फ्रेश फ्रूट केक बना के दिखाऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं आगे के सेशन में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।